लोग आए हैं डॉग शो देखने के लिए, और वहाँ देखिए बहुत सारे मोमेंटोज भी रखे हुए हैं। कुछ दिन बाद शुभ का बर्थडे है, तो उसके लिए गाइस एक स्कैम हो गया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं, आज है संडे, तो सुबह सुबह जा रहे हैं छोले भटूरे खाने और कुछ सब्जी बाजार मार्केटिंग करने के लिए, सब्जी लाने के लिए। तो चलिए वहाँ जाके फिर मिलते हैं। रास्ता अच्छा चौड़ा हो गया है, बढ़िया चौड़ा हो गया, पर कच्चा है, इसको पक्का कब बनाएंगे? ऐसे ही रहेगा, एक बार में करेंगे। ये मैडम क्या यहाँ धूप सेक रही है क्या? ओहो, लोग मार्केट में अभी यहाँ से टमाटर और प्याज वाज ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे गर्म गर्म छोले भटूरे खाने। आ गए हैं सब्जी लेने के लिए, भैया से ही हम लोग सब्जी लेते हैं, और ले लिया है सब्जी, यहाँ शुभ खड़ा है, चलिए चलते हैं। सब्जी हमने ले लिया है, अभी VIP रोड पकड़ लिया है और जाते हैं वहाँ नाश्ता करने के लिए, खा पी के फिर घर जाएंगे। घूमते घूमते ना नाश्ता खत्म हो जाएगा, बताया मिलेगा नहीं कुछ। हम लोग आ गए हैं छोले भटूरे खाने, लस्सी यहाँ का कैसा टेस्टी होगा कि नहीं। छुट के पापा गए हैं ऑर्डर करने के लिए, छुट के पापा गए हैं ऑर्डर करने के लिए, और भीड़ उतनी नहीं है, तीन चार लोग हैं, उन लोग का रेडी रहता है ना, बस गरम गरम करके दे देते हैं भटूरे, तो देखते हैं कैसा स्वाद है। ऑर्डर दे रहे हैं और एक तो बंदा देखिए काउंटर में बैठ के खा रहा है, बढ़िया, उसको बहुत भूख लगी होगी नहीं, दो लोग वहीं पर काउंटर में खड़े होकर खा रहे। चलिए देखते हैं लस्सी, सुबह सुबह अच्छा लगता है, और सुबह आ जाते तो और पूरा रास्ता खाली मिलता, अभी तो गाड़ियाँ आना जाना चालू हो, अभी चालू मतलब मेन सीजन, अभी ऑफिस टाइम है, पर अच्छा लगता है ना सुबह सुबह, अच्छा फ्रेश लगता है, ठंड भी नहीं है आज ज़्यादा, अब ठंड नहीं है। हाँ, बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठ के खाए हैं? कैसा है, टेस्टी है? कहाँ बैठ के खाए? पकड़ वो गाड़ी, हाँ मिडल स्टैंड में का, मिडल स्टैंड में इसके ऊपर रख के खाते हैं। अच्छा था पर मेरे से खाया नहीं गया, मैं शुभ के पापा को दे दी, शुभ के पापा खा रहे हैं, मेरे से बिल्कुल खाया नहीं गया, बिल्कुल क्या, मैंने आधा खा लिया, आधे से ज़्यादा, और बाकी शुभ के पापा को दे दी। हम लोग अभी जा रहे हैं मरीन ड्राइव के पास ही आए थे खाने के लिए, एक और जगह राम मंदिर के सामने, वहाँ नहीं गया आज, आज इधर ही खा लिए, आए वहाँ से घूम के, और अब घर की और निकल पड़े हम लोग। आके मैंने खाना वाना बना लिया, हम लोग खा पी लिए नहा धो के, और यहाँ शुभ देख रहा है अपनी मूवी, कोई सीरीज देख रहा है, और शुभ के पापा देखो यहाँ मुझे कोचक रहे हैं। लंच हमारा कब का हो चुका था, हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लिए, लंच वंच करके अभी जा रहे एक जगह, कहाँ जा रहे वो आपको दिखाएंगे, सबसे पहले तो हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे एक रिलेटिव हैं जो कि बहुत बीमार हैं, तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं, फिर वहाँ से जाएंगे एक जगह, कहाँ जाएंगे वो आपको बाद में पता चलेगा। शुभ जूते पहन रहा है और मैं भी जा रही हूँ, शुभ के पापा नीचे चले गए हैं, तो चलिए चलते हैं, लेट हो रहे हैं। पहुँच गए हम लोग डॉग शो देखने के लिए, और यहाँ देखते हैं कैसा होता है, पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, देखते हैं कैसा होता है, फिर आपको इसका एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है मुझे, डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, शुभ को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पूछे पीछे पड़ा हुआ है मेरे, पर अभी तो नहीं लेंगे, जब वो बड़ा होगा संभालने लायक होगा तभी लेंगे। शिज़ू बड़ा हस्की ना, इसकी आंखें मस्त होती है हस्की की, वो देखो ये कौन सा, ये कौन सा डॉग है, ये लैब्रा है, लैब्रा लग रहा है कि एकदम झपटा मारेगा, गोल्डन रिट्रीवर, पर वो लोग तो एकदम शांत होते हैं ना, गोल्डन रिट्रीवर। ये बड़ा वाला है, हस्की है, पग है, वो एक पग सो रहा है, हाँ नहीं बोला है, नहीं वो गोल्डन रिट्रीवर है। सारे शॉप से बिल्लियों के कुत्तों के खाने यहाँ मिलते हैं, अरे उसका तो कटिंग कर दिया, पूरा छील दिया है, यहाँ होता है शो अभी हाफ एन आवर का, ब्रेक टाइम चल रहा है, वो एडजस्ट कर लेते हैं सभी घरों में, हमारा घर बहुत छोटा है, वो सभी घरों में एडजस्ट कर लेते हैं, वो बहुत दौड़ते हैं, वो तो जगह देख के ना, उनको जैसे तुम रखोगे वैसे वो एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, थोड़े जैसा लंबा ही है ब्लैक स्पॉटेड ना, बाप रे उसको खोल दो तो एकदम से दबोच लेगा, नहीं
गिर जाएगा तो बुलडा का ना भूत से डरते हैं। भूत से गए थे डॉग शो देखने, मज़ा नहीं आया। अब आए हैं शुभ के लिए कुछ खरीदारी करने, क्योंकि कुछ दिन बाद शुभ का बर्थडे है तो उसके लिए कपड़े वपड़े ले लेते हैं 3 जनवरी को, तो उसके लिए कुछ कपड़े वपड़े ले लेते हैं। तो आए हैं अभी मॉल में तो सामान, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, कुछ खरीदारी कर लेते हैं। लग रहा है ना टी शर्ट वन ड्रेस वन, अभी ड्रेस टू के ड्रेस टू दिखा, ड्रेस नंबर टू तो ब्लैक में से ये या फिर ये सूट, हाँ दोनों में से कोई एक ले लेना, देखते हैं रुको ये लो, अच्छा लग रहा है ये भी। मैंने पैंट साथ में ये पैंट पहन के देखो तो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छी लग रही है। चलो चेंज करो बाकी के पहन के देखो, ये भी अच्छा लग रहा है। बताते हैं आपको कौन सा लिया है, क्योंकि अभी नहीं बताएंगे, रिवील नहीं करेंगे कौन कौन से कपड़े चॉइस किए हैं आपको। गाइस एक स्कैम हो गया था, हम लोग गए थे, मैंने आपको दिखाया कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे शुभ के बर्थडे के लिए, तो शुभ को वहाँ बैठ के भूख लगी थी, तो शुभ के पापा ने KFC से ऑर्डर किया था जोमेटो में, तो 3-4 आइटम ऑर्डर किया था, आया एक ही आइटम और पैसा ले लिया, 1000 रुपीज़ ले लिया और 450 का आइटम आया है बस। तो इसके बाद शुभ के पापा ने तुरंत रिपोर्ट उस लड़के को कॉल किया जोमेटो वाले को, तो पहले तो रिसीव नहीं किया, बाद में बोलता है कि सर हमारी तो गलती नहीं, एक्चुअली है भी नहीं उसकी गलती, है भी उसकी गलती, क्या है कि उसने बिल देखना चाहिए था, उसने बिल नहीं देखा कि कितना आइटम है, और साथ में जिन्होंने भेजा उन्होंने भी गलती कर दिया, उन्होंने भी देख के भेजना चाहिए था। उसके बाद फिर शुभ के पापा ने उसे फ़ोन किया, शुरू में तो रिसीव नहीं किया, उसके बाद फिर जब रिसीव किया तो बोलता है सर मैं क्या करूँ, मेरी तो गलती है नहीं इसमें, तो इन्होंने बोला कि मैं रिपोर्ट कर दूँगा। उसके बाद रिपोर्ट किया तो वहाँ से कॉल बैक आया जोमेटो के ऑफिस से, उसके बाद फिर सब कुछ बताने के बाद पैसा रिफंड हो गया और हमें हमारा पैसा मिल गया। आपको दिखाती हूँ, सिर्फ ये चीज़ आया है, बाकी सारे चीज़ नहीं आए, पैसे उन लोगों ने ले लिया था। तो चलो कोई और रहता तो ये जाने देता कि कौन करेगा फालतू झमेला, आए और हम लोगों को लेकर आए, बेचारे चेंज भी नहीं किए और तुरंत बैठ गए उसको देखने के लिए, उसके बाद पैसा रिफंड मिल गया। एक साथ दो रोटी कैसे बना रहे हो? अरे चिपक जाए, खुल भी गया, मम्मी का तरीका है, चिपका हुआ नहीं है, मैंने एक साथ दो दो बनाया खाया है, इसके ऊपर आप तीसरी रोटी डाल दो। अरे चिपक जाएगा। नहीं हाँ ये देखो गाइस, आपको ये ट्रिक पता थी? नहीं पता है। इसके ऊपर अब ये चौथी रोटी डाल, हाय राम बाहुबली बाहुबली रोटी, ये चिपक मत जाना भैया, अभी भी कच्चा है, हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय नाइट, मैरी क्रिसमस। हाँ एक चीज तो बोलना आपको भूल गई, आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बाबा बोल दो बेटा, मैरी क्रिसमस, आप बोल दो Merry Christmas. Merry Christmas.